आज मैं बनाऊंगी दही और आलू की सब्जी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, बहुत ही स्वादिष्ट है। तो ये हमने छोटे छोटे से आलू उबाल लिए हैं और इनको अब छील के तैयार करेंगे। और ये देखिए मैंने आलू छील लिए हैं और इनमें हम कर लेंगे छेद। ऐसे इनको सारे आलूओं को छेद छेद से कर देंगे। तो ये कांटे से मैं ऐसे ऐसे इनमें सब में छेद कर लूंगी आलूओं में। इसी तरीके से सारे आलू में छेद कर लेंगे। तो ये सारे आलूओं में मैंने छेद कर लिए हैं। आलू ज़्यादा बड़ा नहीं लेना है, ऐसे ही छोटा आलू लेना है। और अगर बड़ा आलू है तो उसको पीस करके काट लेंगे। तो और अब इसमें हम हल्दी नमक मिलाएंगे। तो ये एक चौथाई चम्मच के करीब मैंने हल्दी ले ली है, इसको इसमें डाल देंगे। और नमक दोनों चीज डाल के इसे अच्छी तरीके से मिला लेंगे। ये मसाला सारा लग गया है आलूओं में, हल्दी और नमक। और इनको अब हम करेंगे फ्राई। और अब गैस ऑन कर लेंगे और कढ़ाई रखेंगे इस पे। तो मैंने एक कढ़ाई रख दी है। और इसमें डालेंगे तेल, ज़्यादा नहीं डालेंगे, इतना ही डालूंगी। और ये तेल गरम हो गया है, इसमें हम डालेंगे दो लौंग और गैस को स्लो कर देंगे मीडियम पे। और इसमें अब डालेंगे ये आलू, धीरे से डाल देना है। और इसको चला चला के फ्राई कर लेना है। आलू थोड़ा हल्का ही उबालना है, वैसा जो फसक सा जाता है, एकदम फट जाता है आलू उबालते टाइम, उतना नहीं उबलना चाहिए, नहीं तो सब मैस हो जाएगा। तो इसलिए आलू को हमने थोड़ा कम ही उबाला है, जो फटे ना जिससे आलू। और छोटा आलू लिया है तो इसको हम मीडियम स्लो गैस पे फ्राई कर लेंगे। और ये कुछ हर सब्जी की तरह मैं थोड़े से खड़े मसाले ले रही हूँ। इसमें दो इलायची छोटी है, एक इलायची बड़ी है, और थोड़ी सी दालचीनी है, और जावित्री ले ली है थोड़ी, और दो डाल देंगे इसमें लौंग। ये फूल तोड़ के डाल देंगे, लौंग में जो फूल होता है उसको हम लोग तोड़ देते हैं, वो डाल देंगे। और 8-10 दाने जो है काली मिर्च के डाल देंगे। तो ये मसाले ले लिए हैं, इनको मैं अलग से पीस लूँगी। ये आलू फ्राई हो गए हैं, इनमें हल्की हल्की ब्राउन कलर की चिट्टी चिट्टी सी आ गई है। तो मैं इसी डोंगे में इनको निकाल लूँगी, तेल सारा इसी में निकाल देंगे ऐसे करके। और ये आलू हम निकाल लेंगे कढ़ाई से। और कढ़ाई में तेल भी है, और अगर थोड़ा कम है तो हम थोड़ा तेल इसी में और डाल लेंगे। ये साइड साइड से निकाल लेंगे ये जो लग गया है। इसमें कढ़ाई में थोड़ा सा तेल और डालेंगे। गैस को थोड़ा तेज कर लूंगी। तो ये हमने थोड़ा सा तेल और डाल लिया है इसमें, थोड़ा पक जाए। तो ये तेल पक गया है, अब इसमें मैं डाल दूंगी थोड़ी सी हींग और थोड़ा जीरा और दो साबुत मिर्च लाल। और इसको चला के गैस मीडियम स्लो पे कर लेंगे। ये पक गया है,
और दो पीस मैंने प्याज काटा है ये भी इसी में डाल दूंगी। और इसको चलाते हुए हल्का गोल्डन ब्राउन भून लेंगे प्याज को। ये प्याज गोल्डन ब्राउन, लाइट गोल्डन ब्राउन होके तैयार है भून के। और इसमें अब हम डालेंगे थोड़ी सी हल्दी और डालेंगे, जो अभी रसा तैयार करेंगे उसके लिए हल्दी हो जाएगी। और थोड़ा डालेंगे इसमें मिर्च पाउडर, मिर्च पाउडर डाल दिया है इसमें, रेड चिली डाली है और धनिया पाउडर डालेंगे। और इनको धीरे से चला लेंगे। और थोड़ा सा डालेंगे इसमें अदरक, ये अदरक हमने सुखा ली थी उसका पाउडर था वही डाल दिया है इसमें, ये डाल दिया है। और ये मसाला पक गए हैं, ये तेल छोड़ने लगा है देखिए। अब इसमें ये आलू हम फिर से डाल देंगे, आलू को डाल दिया है इसमें। और गैस मीडियम पे कर लेंगे, मीडियम स्लो पे। और इसको फिर चलाते हुए सारा मसाला इन आलुओं में लगा देंगे। तो ये आलू जो है मैंने थोड़ी देर पका लिए हैं मसाले के साथ में। अब इसमें डालूंगी मैं एक ग्लास पानी और गैस को फुल फ्लेम पे कर देंगे और इनको उबाल आने तक पकने देंगे। और ये देखिए इसमें उबाल आ गया है, इसमें अब डाल देंगे दही। ये दही रेड वाला है जो हांडी में पकाते हैं दूध को, उसको मैंने मथानी से मथ के बिल्कुल वैसा कर लिया है, एक भी लम्स नहीं है इसमें। ये दही हम डाल देंगे और सब्जी को बराबर चलाते ही रहेंगे। दही ज़्यादा खट्टा नहीं होना है और सब्जी को बराबर चलाएंगे। जब तक चलाएंगे जब तक फिर इसमें उबाल नहीं आ जाता है, नहीं तो मतलब वो जो दही डाला है मैंने वो फट जाएगा। तो इसलिए मैं इसको बराबर चलाती रहूँगी, जब तक उबाल नहीं आ जाता है तब तक। और नमक जो है वो बिल्कुल बाद में डालते हैं, जब इसमें सब्जी में उबाल आ जाएगा नमक तब डालेंगे। अगर नमक भी हमने पहले डाल दिया तो दही फट जाएगा। ये सब्जी में उबाल आ गया है, अब इसमें डालेंगे थोड़ा नमक। नमक हमने पहले भी डाल रखा था इसलिए थोड़ा समझ के ही डालेंगे, मतलब भर को। तो जरा सा नमक मैं काला डालूंगी, इससे थोड़ा टेस्ट अलग बदल जाएगा। सादा नमक भी स्वाद के हिसाब से डाल देंगे। इसको अब मीडियम गैस पे पकने देंगे, 10 मिनट तक के लिए खुला ही ऐसे पकने देंगे इसको। तो ये तैयार है दही और आलू की सब्जी। इसमें मैंने थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च डाली है, उसे थोड़ा कलर अच्छा हो जाता है, तो थोड़ी सी कश्मीरी मिर्च भी डाल दी है मैंने। और इसको अब गैस बंद कर देंगे। अभी इसमें थोड़ा सा ये जो मैंने मसाला पीसा है, साबुत मसाले थे जो पीस के लाई हूँ, इनको डाल देंगे। 2 मिनट गैस और चलने देंगे, मसाले डाले हैं तो पानी जो है मसालों में वो इसमें थोड़ा पक जाएगा। और अब गैस को बंद कर देंगे। थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है मैंने इसमें। और ये
खाने के लिए दही और आलू की सब्जी तैयार है और इसमें धनिया से गार्निश कर देंगे। तो ये देखिए, देखने में कितनी अच्छी लग रही है सब्जी। आप लोग भी इसको बनाएं, कमेंट करके बताएं इसका स्वाद कैसा लगता है, और लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।